हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज किसी इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एक लेटर करेंगे और लेटर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा, आप कोई भी लेटर आ जाए आप उसको लिख पाएंगे। तो इसमें क्या है कि इस लेटर में रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक्स, मान लो हमारे पास किसी कोई ऑर्डर करते हैं हम बुक्स का और हमारे पास रॉन्ग सप्लाई आ जाती है, तो हम उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो हमें करना क्या है, राइट लेटर टू मैसेज हरियाणा पब्लिशिंग हाउस। तो जिस पब्लिशिंग हाउस से हमारे पास वो सामान आया हुआ है तो उसको हमने कंप्लेन करनी है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग डिलीवरी ऑफ बुक्स। ठीक है, तो रॉन्ग डिलीवरी जो आई है हमारे पास बुक्स की, उसकी कंप्लेन करनी है हमने, रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड द बुक्स यू ऑर्डर टू सप्लाई, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आप हमें वही बुक्स भेजिए जो हमने ऑर्डर की थी, सप्लाई करनी थी जिनकी, आपने वही वाली बुक भेज दीजिए आपने। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, खन्ना बुक डिपो, अकल मार्केट, अंबाला, 20th मार्च, जो भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे डेट डालेंगे और ये अपना एड्रेस डालेंगे जहाँ बैठ करके हम लेटर लिख रहे हैं, जो हमारा खुद का एड्रेस है वो यहाँ पे डालेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में ये एड्रेस नहीं दिया हुआ, क्योंकि हम उस दिन जिस दिन एग्जाम दे रहे होंगे तो उस दिन हम एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, तो हम लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, डेट जो उस दिन डेट होगी वो लिख देंगे। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे मैसेज हरियाणा पब्लिशिंग हाउस। ठीक है, ये एड्रेस डाल देंगे, बुक्स मार्केट और करनाल, मान लो ये एड्रेस हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख सकते हैं, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ बुक्स। ठीक, क्योंकि रॉन्ग डिलीवरी करी है बुक्स की, तो ये हम लिख सकते हैं कंप्लेन अगेंस्ट द रॉन्ग डिलीवरी ऑफ बुक्स, इस तरीके का भी हम यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं। इसके बाद सर्स, क्योंकि बहुत सारे मालिक होते हैं बिजनेस में, तो इसलिए सर्स लिख दिया हमने यहाँ पे। तो आगे देखिए आप क्या लिखा है, ऑन 5th मार्च आई ऑर्डर्ड 4 copies ऑफ बुक्स बैकग्राउंड ऑफ म्यूजिक बाय HS नारन एंड रिमिटेड ₹600 द एंटायर अमाउंट ऑफ देयर प्राइस इन एडवांस। ठीक है, तो अब क्या किया था, 5 मार्च को, मतलब 5th मार्च को हमने क्या किया था, आई ordered, मैंने ऑर्डर किया था 4 copies ऑफ बुक्स बैकग्राउंड ऑफ म्यूजिक, ये बुक का नाम है। ठीक है, इस बुक का मैंने ऑर्डर किया था, 4 copies मंगवाई थी उसकी बाय HS नारंग, और इसके राइटर कौन है, HS नारंग, एंड रिमिटेड ₹600 द एंटायर अमाउंट ऑफ देयर प्राइस इन एडवांस, और जो भी अमाउंट था, ठीक है, जो उसमें से रिमिट अमाउंट था 600 का, उसके अलावा मैंने वो सारे के सारे एडवांस में अमाउंट पे कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये लाइन को यहीं पर लिखना चाहें, ये चीज ना लिखें, तो बस सिर्फ आप ये लिख सकते हैं, ऑन 5th मार्च आई ordered 4 copies ऑफ बुक ये बाय HS नारंग एंड, ठीक है, पेड द अमाउंट ऑफ देयर प्राइस इन एडवांस, इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए, ऑन ओपनिंग द पार्सल रिसीव्ड दिस मॉर्निंग आई फाउंड दैट इट कंटेन्ड 4 copies ऑफ हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक बाय द सेम ऑथर। ठीक है, तो ऑन ओपनिंग द पार्सल, जब मैंने पार्सल खोला, रिसीव्ड दिस मॉर्निंग, और आज सुबह ही मुझे ये पार्सल मिला है, आई फाउंड, तो मुझे क्या मिला उसके अंदर, पार्सल के अंदर मुझे क्या मिला, दैट इट कंटेन्ड 4 copies, कि इसमें 4 copies थी, किस चीज की थी वो, ऑफ द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक जो बुक है बाय द सेम ऑथर, वो भी HS नारंग की है, इसी राइटर की दूसरी बुक मुझे मिल गई है। आई रिग्रेट टू से, भाई मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात कहते हुए, दैट आई डिड नॉट प्लेस द ऑर्डर फॉर दिस टाइटल, और कि मैंने इस टाइटल की कोई बुक ऑर्डर नहीं की थी। आई एम देयर फॉर रिटर्निंग इट बाय पार्सल एंड रिक्वेस्ट द रिप्लेसमेंट, और आई एम देयर फॉर, और इसी कारण से रिटर्निंग इट बाय पार्सल, और इन बुक्स को मैं रिटर्न कर रहा हूँ पार्सल के माध्यम से, एंड रिक्वेस्ट द रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब आप इन बुक्स को रिप्लेस कर दीजिए। तो रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट के बाद हम लिखेंगे कि भाई आई होप, भाई मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, द रिप्लेसमेंट विल बी डिस्पैच्ड एट द अर्लीस्ट डेट, कि जो रिप्लेसमेंट होगी वो जल्दी ही आप उसको डिस्पैच कर देंगे, और बहुत ही जल्दी ही डेट, अर्लीस्ट डेट मतलब जो आने वाली शीघ्र से शीघ्र जो भी डेट आ रही है उस पर आप उसको डिस्पैच कर देंगे, मतलब मेरे लिए भेज देंगे। आई ऑल्सो होप दैट आई शेल नॉट बी चार्ज्ड एनी एडिशनल पैकिंग और पार्सल एक्सपेंसेस, और आई ऑल्सो होप, भाई मैं ऐसी भी होप करता हूँ, ऐसी भी उम्मीद करता हूँ, दैट आई शेल नॉट बी, कि
charged any additional packing or postal charges, कि मुझसे किसी भी तरीके का कोई additional, भाई अतिरिक्त कोई भी packing का या post का expense मतलब खर्चा वो नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरीके का अन्य कोई खर्च मुझसे नहीं लिया जाएगा। Yours faithfully, आपका बहुत ही प्यारा और कौन जितेंद्र कुमार, जिसका भी जो लेटर लिख रहा है उसका नाम, या एबीसी अगर लेटर में नाम नहीं दिया हुआ है टाइटल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, आप अपना एड्रेस लिखिए सबसे पहले जहाँ पे बैठ के आप एड्रेस लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी एड्रेस है आपका वहाँ का बैठ करके आप जो लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट और फिर बॉडी डालिए, और एंडिंग में आप एक जो बहुत ही अच्छे से कोई वर्ड है, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ट्रूली, इस तरीके के कोई वर्ड्स डाल के और आप नीचे नाम लिखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये फैक्चुअल, ठीक है, तो ये फैक्चुअल लेटर्स हैं और इन लेटर्स में आपको बहुत मजा आएगा, आप दूसरे टाइटल के साथ भी इन लेटर्स को ट्राई कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।